फिजिक्स के आज के नए चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, हम लोग अभी तक जो चैप्टर जो कंप्लीट कर चुके हैं उसमें से फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकेंड चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, ज्यादा ध्यान से देखो, चैप्टर का सिक्वेंस किस तरह से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने वो स्टडी किया जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज के रेस्ट पे होने वाले सारे इफेक्ट, जैसे कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे फिनोमिनन जो थे, सारे इफेक्ट जो थे, वे टोटली इलेक्ट्रिक चार्ज के रेस्ट से रिलेटेड थे। जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किए तो यहां हमने जो भी स्टडी किया इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन से रिलेटेड, ठीक है, जैसे ओम्स लॉ या किरचॉफ्स लॉ, जितने भी टॉपिक आप देख लो, वो सारे इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन से। आज हम जिस लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका भी कोई रिलेशन पिछले चैप्टर से है, बिल्कुल। फिर इसके हर चैप्टर हमारा जो है जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसका सारा चैप्टर का रिलेशन पीछे चैप्टर से बनता रहेगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के इस चैप्टर में, आज के इस क्लास में, टुडेज क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। आज के क्लास में लोग इन सारे टॉपिक पर वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत एक एक्सपेरिमेंट से होगा, और स्टेट एक्सपेरिमेंट उसका नाम है। क्या है ये एक्सपेरिमेंट, इस सारे एक्सपेरिमेंट को आपको बहुत अच्छा से क्लियर करने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सुन रखे थे, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा होगा रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड समझ जाएंगे तो हम ये कुछ रूल्स पर बात करेंगे जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जिसमें हम लोग थ्री लॉस पर वन बाय वन बात करेंगे, एक एम्पियर स्विमिंग रूल, एक मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल और एक राइट हैंड थंब रूल। और लास्ट टाइम इस क्लास में लोग एक लॉ पर पढ़ेंगे, उस लॉ का नाम है बायोट सैवर्ट्स लॉ, बायोट सैवर्ट्स लॉ। ओके, तो इन सारे टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये नोट्स आप लोग को हम दे रखे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहला बात कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट। देखो, मैग्नेट तो आप जानते हैं, चुंबक। बताओ चुंबक में क्या होता है, एक आकर्षण शक्ति होती है। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को उसके सामने ले जाओ तो उसको अपने क्या करता है, खींच देता है। यदि किसी मैग्नेटिक नीडल को ले जाओ तो उस नीडल को या तो अट्रैक्ट या तो फिर रिपल कर देगा। ओके, तो कहने का मतलब ऐसा कुछ उसके चारों तरफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट है, उस मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट है जहां एक नेल को रख दो उसके सामने तो उसको अपने क्या करता है, खींच लेता है। लेकिन यह चैप्टर का नाम है मैग्नेट, यहां मैग्नेट की बात हम नहीं करेंगे। यहां कोई मैग्नेट में कोई इफेक्ट, मतलब किसी मैग्नेट के कारण ये फोर्स एक्सपीरियंस होने वाला नहीं है, किसी मैग्नेट के कारण किसी तरह का अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होने वाला है। यहां कुछ और है, यहां कुछ और क्या है समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एक कंडक्टर, एज्यूम करो कि एक कंडक्टर में, एक वायर में करंट ड्रो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब एक वायर पे करंट ड्रो होता है, जब एक वायर पे करंट फ्लो होता है तो उस करंट के फ्लो होने से उसके चारों तरफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ऐसा एनवायरनमेंट जहां एक मैग्नेट को रख दो तो उस मैग्नेट में कुछ क्या डिफ्लेक्शन शो करने को मिलता है, मतलब देखने को मिलता है, यानी उस मैग्नेटिक नीडल में कुछ हलचल होता है। हलचल मतलब वो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाता है, डेविएट कर जाता है अपने डायरेक्शन को, अपने पोजीशन से। अपने पोजीशन से डेविएट कोई मैग्नेट कब कर सकता है बताइए, तो कोई भी मैग्नेट अपना पोजीशन बिना टच किए तभी डेविएट कर सकता है जब उसके चारों तरफ कोई फील्ड हो, जब उस वायर के चारों तरफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो। तो उस एनवायरनमेंट, आखिर वो एनवायरनमेंट का क्या नाम दिया जाए, तो बताओ उस मैग्नेट को ये डेविएट किया, ये मैग्नेट तभी डेविएट हो सकता है जब उसके चारों तरफ एक मैग्नेट का कोई फील्ड हो। लेकिन दिस इज नॉट ए मैग्नेट, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, और इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है जहां उस नीडल में हम क्या देख रहे हैं, एक डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रिक करंट वायर पर, इस करंट कैरिंग वायर पर, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है।
मैग्नेटिक फील्ड का एनवायरमेंट क्रिएट होगा तभी ना वो नीडल डेविएट होगा, पोजीशन चेंज होगा। बिल्कुल, चलिए इसको और असल से क्लियर करते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि द एन इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द करेंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक करेंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ उसके स्पेस अराउंड में एक क्या, एक मैग्नेटिक इफेक्ट का आ जाना, एक मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रोड्यूस हो जाना किसके, करंट कैरिंग कंडक्टर में। कब, जब उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर कोई इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करे, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर पर फ्लो होता है, ड्रॉ करता है, तो उसके चारों तरफ एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है, एक इफेक्ट क्रिएट होता है, और ये इफेक्ट का नाम पड़ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्यों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कह रहे हैं, क्योंकि वो मैग्नेट को, उस मैग्नेट नीडल को क्या कर रहा है, उसने पोजीशन से क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। ये जो आज आपको बता रहा हूं ये बात कि सर एक नीडल में डेविएशन हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, सर इसको समझ में नहीं आ रहा कैसे, तो इस चीज को सबसे पहले हमारे समझाए थे ओरस्टेड ने। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम कौन है, क्या नाम है उनका, है ओरस्टेड। ओरस्टेड ने सबसे पहले अपने लैब में इस डिमोन्स्ट्रेशन को किया, इस प्रयोग को किया, और उन्होंने देखा कि वाकई में कोई नीडल को यदि किसी वायर के नीचे रख दिया जाए या ऊपर रख दिया जाए या दाएं या बाएं रख दिया जाए तो क्या होता है, उस नीडल में डिफ्लेक्शन शो करता है, उस नीडल में डेविएशन शो होता है, उस नीडल में अपना पोजिशन चेंज कर जाता है। इसका मतलब उस वायर के चारों तरफ, ये तभी होता है जब उस वायर पर करंट फ्लो होता है, जब वायर करंट फ्लो करना बंद कर दे, की को ऑफ कर दीजिए, नीडल फिर अपने जगह पे आ जाता है, अपने पोजीशन पे आ जाता है, फिर करंट पास कर दो, फिर अपना नीडल क्या होता है, अपना पोजीशन चेंज कर जाता है। ठीक है, इसी इफेक्ट को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि करंट के कारण हो रहा है इसलिए उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम आप लोगों को लिए चलते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में। किसमें, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में। ओरस्टेड ही सबसे पहले इस चैप्टर को डेवलप किया। आज हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ये पूरा देन किनका जाता है, ओरस्टेड को जाता है। यदि ओरस्टेड ने यह डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर किया होता, इस लैब में इसका प्रयोग नहीं किया होता, तो हो सकता था ये चैप्टर में पढ़ने को मौका नहीं मिलता, इस कॉन्सेप्ट को जानने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का डेवलप होने के बाद फिजिक्स की दुनिया में कई सारी चीजों का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ। तो चलिए ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को समझा जाए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का बेस हमारा कहां पर है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पे है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय, क्या लिखे हैं, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, यानी इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेट किनके द्वारा हुआ, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड फाउंड दैट अ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन वेन ए करंट फ्लोज थ्रू द वायर। इस एक्सपेरिमेंट में ओरस्टेड ने सबसे पहले पाया कि मैग्नेटिक नीडल समझ रहे हैं, अरे दिशा सूचक के अंतर देखते हैं ना, एक नीडल होता है, दिखाएंगे अभी। ठीक है, फाउंड दैट मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन, अपने नॉर्मल पोजिशन से वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। कब, व्हेन ए करेंट फ्लोज थ्रू द वायर, जब वायर पर क्या हो, करेंट फ्लो हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। चलिए हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, जरा इसका सेटअप देखिए। यही हमारे ओरस्टेड है जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल किया और डिमोन्स्ट्रेट किया, जिसके जरिए मैग्नेटिक इफेक्ट का करंट का इन्वेंशन हुआ। जरा इसके सर्किट, इसके सेटअप को जरा ध्यान से समझिए। इस सर्किट में, यानी इस सेटअप में आप देख रहे हो, ये एक वायर है, दिस इज अ वायर, और ये हमारा बैटरी है, चूंकि सोर्स तो चाहिए ही चाहिए, और ये रोस्टेड आप देख रहे हैं, इसको देखे हुए आप, रोस्टेड जिसका रेजिस्टेंस को हम कम ज्यादा करके करंट के मैग्नीट्यूड को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा की जिसको स्विच ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और पोलरिटी जब चाहे डायरेक्शन बदल सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, है ना। चलिए उसके बाद ये हमारा बैटरी से कनेक्शन, हमारा वायर, ये वायर, इस वायर को हम यहाँ पर क्या कर रखे हैं, हैंग करके रखे हैं किसी स्ट्रेंड के जरिए हम इसको हैंग कर दिए। ठीक है, स्ट्रेट करके हैंग कर दिए, और ये जो आप देख रहे हैं इसी का, यही है मैग्नेटिक नीडल, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये क्या है, रोस्टेड। रोस्टेड के एक एंड को हम की के साथ इधर कनेक्ट कर दिए और दूसरे एंड को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, इस बार का दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। तो जब की को हम ऑन करेंगे तो क्या होगा बताओ,
जैसे की को आप ऑन करोगे करेंट वायर पर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करेंट वायर पर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, जब हम की को ऑन करते हैं, बैटरी का कनेक्शन को पहले समझिए, मैंने आपको समझा दिया कि बैटरी का कनेक्शन किस किस तरह से है, ठीक है। रॉ स्टेट आप देख रहे हो सर। अब हम क्या करेंगे, निडिल को देखिए, हमने कहा था ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। जब हम क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे, जैसे ही की को क्लोज करेंगे बताओ क्या होगा, जैसे आप की को क्लोज करते हैं इस वायर पर करेंट फ्लो होना शुरू हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, करेंट फ्लो होना शुरू हुआ। आप यहां देख रहे हैं कि सर्कल जैसा, तो ये एज्यूमिंग लाइन्स है, दिस इज द एज्यूम, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज्यूमिंग लाइन। तो आपने क्या देखा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ हलचल इस निडल में, निडल अपना पोजीशन से डेविएट कर रहा है, दिख रहा है आपको, अंदर की ओर दिख रहा है आपको, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज में आप देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। तो ये डिफ्लेक्शन कब हो रहा है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करेंट पास होता है। जब इस वायर पे करंट पास होता है तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन का डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब इस वायर के चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है, एक इफेक्ट बोलिए प्रोड्यूस हो चुका है, जिस इफेक्ट के कारण इस निडल का पोजीशन अपना क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किधर, अंदर की ओर, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और स्टेट ने क्या किया कि क्या यहां जब इसकी डायरेक्शन इधर है तो क्या ऊपर रखने पे भी इधर ही होगा, तो उन्होंने क्या पाया, ध्यान दीजिए, जब उन्होंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, जब उन्होंने क्या बोलते हैं, निडल को जब ऊपर अपवर्ड अपवर्ड साइड रखा, पहले नीचे रखा था, अब ये ऊपर रखा वायर के ऊपर, तो उन्होंने क्या पाया, अब ये जो निडल जो डेविएट कर रहा था उल्टा डायरेक्शन, देखिए पहले एंटी क्लॉक में था, अब क्या हो रहा, देखिए क्लॉकवाइज में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि इस वायर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस क्रिएट हो रहा है, एक एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है, यहां कुछ और डायरेक्शन में और यहां कुछ और डायरेक्शन में, यहां और यहां दोनों की डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, यानी यदि ये अंदर है तो इधर बाहर होगा, यदि यहां बाहर है तो यहां अंदर होगा। दैट मीन पेपर सेट के पेपर से, मान लो ये पेपर प्लेन है ना, तो ये अंदर होगा ऊपर तो ये बाहर होगा, समझ में आ रहा है मेरी बात, यानी हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। इस प्रयोग को सबसे पहले किन्होंने किया बताइए, इस प्रयोग को सबसे पहले ओरेस्टेड ने किया। यदि हम इस पोलरिटी को चेंज कर दें, यदि हम प्लस माइनस को चेंज कर दें, करंट की डायरेक्शन इधर से ना होके इधर से करे तो क्या होगा, तो जब आप निडल को नीचे रखेंगे तो पता है क्या होगा, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होने के कारण करंट की डायरेक्शन को चेंज होना, यदि करंट डायरेक्शन को, जैसे हमने इधर से इधर करंट पास किया था, लेकिन यदि मान लो हम पोलरिटी को बदल दें और करंट को इधर से इधर पास करवाएं, ठीक है, संभव है बैटरी के टर्मिनल को चेंज करके करंट की डायरेक्शन को बदला जा सकता है। तो हम क्या देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन अभी आप यहां देख रहे हैं क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में, वही आपका यहाँ क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक, और यहाँ जो देख रहे थे एंटी क्लॉक, यहाँ क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज करके आप इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगा तो बताइए निडल क्या हो जाएगा, निडल का डिफ्लेक्शन भी डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यदि निडिल में डिफ्लेक्शन होने का मतलब, निडिल का डिफ्लेक्शन मतलब पोजीशन का डिफ्लेक्शन होने का मतलब, इस निडिल में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, हो ना हो या नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, और इसी रिपल्शन के कारण ये निडिल क्या कर रहा है, अपना पोजिशन से डेविएट हो रहा है, समझ में आया। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ये चीज का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, देखा गया कि जब निडल पे करंट पास होता है तो वो क्या करता है, अपना पोजिशन से वो डेविएट कर जाता है। यही है क्या ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, और इसी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कॉन्सेप्ट का इन्वेंशन हुआ। ओके चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, तो हम क्या बोल रहे थे, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, अब आगे देखिए हम क्या समझाने जा रहे हैं, सॉरी चढ़ाई पार कर दी। इन दिस एक्सपेरिमेंट ओरेस्टेड फाउंड दैट, इस एक्सपेरिमेंट पर ओरेस्टेड ने क्या पाया था, बोलिए कि निडल को रखने पर करंट पास होने पर क्या होता है, वो अपना पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन डेविएट कर जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, आप जिस फिजिक्स को पढ़ रहे हैं उस फिजिक्स के ब्रांच को हम क्या कहेंगे, अभी जिस चैप्टर को आप स्टार्ट किए हैं उसमें दो चीज का रिलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रिसिटी का, जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां मैग्नेटिज्म है। तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी हम लोग किस फिजिक्स की ब्रांच पर अभी हम लोग पहुंचे हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अब बात करते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? क्या ही है मैग्नेटिक फील्ड? वेरी सिंपल, द स्पेस अराउंड अ करेंट कैरिंग कंडक्टर, करेंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ इस तरफ, द स्पेस अराउंड ए करेंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच विट्स इन्फ्लुएंस, जिसके भीतर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एक फीलिंग आती है, कैन बी फील्ड बाय ए मैग्नेटिक नीडल। किसके द्वारा ये फीलिंग आ रहा है? मैग्नेटिक नीडल के द्वारा। नीडल रखना तब ना पता चल रहा है कि इसमें भी कोई इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, नीडल ना डिफ्लेक्शन होता और ना पता चलता कि वायर के चारों तरफ कोई फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है, कोई प्रभाव भी उत्पन्न हो रहा है। तो हमने क्या कहा, द स्पेस अराउंड करेंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फील्ड बाय अ मैग्नेटिक नीडल इज कॉल्ड, उस स्पेस अराउंड की उस रीजन को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया? तो किसी करंट कैरिंग वायर के अंदर, उसके भीतर एक ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट होना, एक ऐसा इन्फ्लुएंस फील्ड होना जो किसके द्वारा हो, एक मैग्नेटिक नीडल के द्वारा हो, उस स्पेस अराउंड के उस रीजन को कहते हैं, बोलिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफन कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, कहीं स्ट्रेंथ ज्यादा भी हो सकता है, कहीं स्ट्रेंथ कम भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के इस स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम और ज्यादा होगा, उस स्ट्रेंथ को हम यहां कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, उसके मैग्नीट्यूड को, जहां नीडल को कम डेविएट करेगा या ज्यादा डेविएट करेगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के उस स्ट्रेंथ को हम प्रायः कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके अच्छा चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको याद होगा उसको हम लोग ई से डिनोट करते थे, लेकिन इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होगा बी, कैपिटल लेटर बी। और इसकी एसआई यूनिट याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला। आप जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे आप। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? टेस्ला। और सीजीएस में होता है गॉस। ये एसआई में टेस्ला होता है, एसआई में टेस्ला है, और सीजीएस में क्या होता है? गॉस। और आपको याद, आपको पता होना चाहिए कि 1 गॉस इक्वल टू 10^-4 टेस्ला होता है। 1 गॉस इक्वल टू 10^-4 टेस्ला होता है, ये बात याद रहना चाहिए आपको। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है, वो किस तरह का दिखता है। तो जैसे सपोज ये आपका एक करंट कैरिंग वायर है, दिख रहा आपको? दिख रहा आपको? हाँ। जिस करंट कैरिंग वायर में, इस वायर पर करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ ये इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, दिख रहा आपको? तो आप एज्यूम करो एक पेपर प्लेन। पेपर प्लेन कैसा? पेपर प्लेन जस्ट लाइक, मान लो ये हमारा पेपर प्लेन है, ठीक है, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं, और यहां से एक वायर एक पास कर रहा है, एक नीचे एंड और एक ऊपर एंड, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इस पेपर प्लेन पर एज्यूम कर सकते हैं, इसके चारों तरफ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में प्रोड्यूस होगा। कैसा? एक पेपर प्लेन के कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ में आ रहा है? ये जो आपका फिगर दिख रहा है, ये जो सर्कल जैसा दिख रहा है, इस तरह समझो, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और ये हमारा क्या है, वायर है, एक सिरा ऊपर और एक सिरा इसके नीचे। समझ में आ रहा है? एक सिरा ऊपर और एक सिरा नीचे, और ये हमारा ह्यूमिंग प्लेन, दिस इज द प्लेन एज अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पर, इस रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि इसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। क्यों कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा? आपको याद होगा कि जब हम नीडल को ऊपर रखे थे तो उसकी डिफ्लेक्शन डायरेक्शन चेंज हो गया था, और जब नीचे रखते थे तो उसकी डिफ्लेक्शन डायरेक्शन चेंज हो गया। अब बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होगा? इधर। आप देख रहे हैं कि ये आपका वायर है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, बताइए। यहाँ आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जब करंट नीचे से ऊपर की ओर जाए तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो है, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये इमेजिनरी लाइन्स है जो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में राइज होता है। अभी आप देखे थे वायर पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखाए थे, जिसे हमने कहा था इमेजिनरी लाइन्स, तो ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और इसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो इस पॉइंट पे किधर होगा? इधर होगा ना,
नहीं समझे तो बताओ यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, पेपर प्लेन के इनवर्ड होगा और ये पेपर प्लेन के आउटवर्ड होगा, तो हर जगह यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में होगा। तो बताइए यदि अपवर्ड इस डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, यदि लेफ्ट साइड इस डायरेक्शन में है तो राइट साइड इस डायरेक्शन में होगा। हमने कहा था ना कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। बिल्कुल यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इधर होगा, 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 यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इधर होगा। यानी हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ये डिफरेंट डायरेक्शन कब पॉसिबल है, जब उसका नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा हो, सर्कुलर हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर हो। ओके तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, जा देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, ड्यू टू सॉरी सॉरी कहाँ गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ प्लेन, प्लेन समझा ना, ये प्लेन जो बताया था प्लेन में, विच इज दैट राइट एंगल टू द करेंट कैरिंग कंडक्टर। आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्लेन है और ये हमारा जो करेंट कैरिंग कंडक्टर है एक दूसरे के क्या है बोलिए, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के क्या है बोलिए, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। चलिए तो हमने क्या कहा, क्या देखा नेचर कि किसी वायर पे जब करंट फ्लो होता है तो उस वायर के पर मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जो एनवायरमेंट क्रिएट होगा वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो प्लेन होगा वो करंट कैरिंग कंडक्टर के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके द मैग्नेटिक फील्ड नियर द करंट कैरिंग, जब बताओ आप जब खुद बताइए यदि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हर जगह मैग्नेटिक रेजिस्टेंस सेम होगा, हर चीज नहीं, जितना सामने होगा उसका क्राउडिंग उतना ही लाइंस का ज्यादा होगा, तो नियरेस्ट यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ उससे थोड़ा कम होगा, उससे वीक होगा, तो जैसे आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर होता है, बिल्कुल वायर के सबसे नजदीक, वायर के सबसे ज्यादा क्लोज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके आगे बढ़ते हैं, तो द मैग्नेटिक फील्ड नियर द करेंट कैरिंग कंडक्टर इज स्ट्रॉन्गर एंड बिकम वीकर एज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेस। जैसे जैसे कंडक्टर से डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही वीक होता जाएगा, और जैसे जैसे आप वायर की ओर आओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम कैसे डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ रूल्स है, उस रूल्स पर हम लोग आते हैं। कौन कौन से रूल्स है भाई, तो वो रूल्स है हमारा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल और एक हमारा है राइट हैंड थंब रूल, नाम सुनोगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये दोनों रूल को हम लोग वन बाय वन बताएंगे जिससे हम कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है, बाय यूजिंग द मेन टू रूल्स मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। क्या यही दो रूल है, नहीं, इससे पहले और दो रूल भी आया था, सॉरी एक और रूल आया था, एक और रूल का नाम था एम्पियर्स स्विमिंग रूल, क्या नाम था उसका, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। चलिए हम तीनों रूल को बता रहे हैं लेकिन ज्यादा यूजेबल होता है तीनों में से राइट हैंड थंब रूल या बोलिए मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। आप इन दोनों रूल यूज करके वायर पर करंट की डायरेक्शन को देखकर आप बता सकते हैं कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग ये रूल यूज करते हैं कि यदि किसी कंडक्टर पर कोई वायर पर करंट फ्लो हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे जान सकते हैं कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है तो चलिए देखते हैं, रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहला रूल का नाम है एम्पियर स्विमिंग रूल। देखिए एम्पियर स्विमिंग रूल क्या करता है, भले ये रूल हम लोग यूज नहीं करते हैं, बहुत ही ओल्ड रूल है, ये ओल्ड रूल है, ये उतना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये ज्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो देखिए एम्पियर सर्क्यूलर रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है, इमेजिन ए मैन, ये देख रहे हैं आप एक मैन स्विम कर रहा है पानी में तैर रहा है, हाँ, तो इमेजिन ए मैन हु स्विम इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मान लो ये मैन साउथ से नॉर्थ की ओर करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर है, ये वायर और इस वायर पर करंट आई करंट क्या है, मैन की स्विमिंग डायरेक्शन, जिधर मैन स्विम कर रहा है करंट डायरेक्शन उधर ही है, साउथ टू नॉर्थ, तो ये वेस्ट और इधर क्या होगा ईस्ट। आगे देखिए फैसिंग ए मैग्नेटिक नीडल, किसकी, जस्ट आप एज्यूम करो कि इस वायर के जस्ट नीचे एक नीडल है,
नॉर्थ और ये साउथ, साउथ टू नॉर्थ बोले ना, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, मैग्नेट का नीडल का ये पोल नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल, ओके। कैप्ट अंडर द हिम, उसके अंदर उसके जस्ट उसके सामने दिख रहा है, फेसिंग मैग्नेटिक, कैप्ट अंडर द हिम सच दैट करेंट इंटर, मान लो करेंट इसके फिट से, ये फिट है ना, उसका पैर है ना, करेंट इंटर कहाँ से कर रहा है, पैर से यानी फिट से, किधर, उसके हेड की ओर, इंटर हिज हेड इंटर हिज फिट देन द नॉर्थ पोल, और कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की ओर, फिट से स्टार्ट हो रहा है और किधर जा रहा है, नॉर्थ की ओर, नॉर्थ पोल की ओर ऑफ द नीडल, विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड इज लेफ्ट हैंड। तो आप एज्यूम करना कि इसका जो हैंड है, ये हमारा कौन सा हैंड है, राइट हैंड, ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड, तो ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट करेगा किधर, इस स्विमिंग मैन के, किधर, इस स्विमिंग मैन के लेफ्ट हैंड की ओर, लेफ्ट हैंड मतलब किधर, ईस्ट हैंड की ओर, यानी नीडल जो ऐसी पोजीशन में है ये इस डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी वेस्ट की ओर, किधर, यानी वेस्ट की ओर। तो एम्पियर स्विमिंग रूल एज्यूम करवाता यह है कि आप जो स्विम कर रहे हैं पानी में, एज्यूम कीजिए कि यदि कंडक्टर पे कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो जिधर से करंट फ्लो हो रहा है, जहां से करंट फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उसको फिट समझ लो, उसका नीडल उसके जस्ट उसके अंडर है, और नीडल का डिफ्लेक्शन किधर होगा, आप जो स्विम कर रहे हैं आपका जिधर हैंड है किधर, बोलिए, आपका जो हैंड है किधर, लेफ्ट की राइट, हमने क्या बताया, उसका लेफ्ट हैंड, यानी नीडल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट हैंड, और नीडल डिफ्लेक्ट लेफ्ट हैंड होने का मतलब हुआ मैग्नेटिक रिएक्शन किधर होगा, लेफ्ट हैंड। तो थोड़ा ये रूल थोड़ा अटपटा सा है, इसलिए इसको हम लोग लेके नहीं चलते हैं, हम लोग दूसरे रूल पर आते हैं। हमारा दूसरा रूल का नाम है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ये रूल बहुत समझने वाला रूल है, कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। और इस रूल का कहना है कि कॉर्क, कॉर्क समझते, कॉर्क क्या होता है, अरे जो आप लोग लैब में केमिस्ट्री के लैब में आपको कॉर्क देखने को मिलेगा, कॉर्क जहां से हम लोग किसी बोतल को सील करते हैं, हैक करते हैं, और उसमें कोई पाइप डालते हैं कॉर्क को छेद करके, हम लैब में आपको इलेवेंथ वाले स्कूल आपको स्कूल में करवाए थे, कुछ स्टूडेंट को करवाए थे, स्कूल वाले बच्चों को, ठीक है, कॉर्क दिखाए थे, कॉर्क को कैसे होल करते हैं बताए थे ना, हाँ, तो वो कॉर्क, कॉर्क थोड़ा रबर टाइप का होता है, लकड़ी जैसा होता है, जिसको आप लोग बोतल को सील करने में, है ना, चाहे राउंड बॉटम फ्लास्क हो चाहे कॉनिकल फ्लास्क हो, उसको सील करने में इसका यूज किया जाता है। तो एक कॉर्क एज्यूम करो और उस कॉर्क पर आप स्क्रू घुमा रहे हो, कॉर्क को, कॉर्क पर क्या कर रहे हैं, स्क्रू घुमा रहे, जब घुमा रहे तो स्क्रू क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर भी आ सकता है, अंदर भी जा सकता है, कौन, कॉर्क पर, क्या कॉर्क पर, स्क्रू, जोड़नी कॉर्क ही समझो। आप देखते होंगे जब घर में आप ड्रिल करते हैं तो एक प्लास्टिक का ये लगता है और उसके ऊपर ये स्क्रू टाइट होता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक का एक अंदर में उसमें एक क्या होता है, एक जगह बना हो रहता है जहां पर ये नट ये स्क्रू घुसता है और टाइट हो जाता है, बस आप उसको भी प्लास्टिक वाले को भी एज्यूम कर सकते हैं एज ए कॉर्क। तो आप क्या करते हो, इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजनरी राइट हैंड स्क्रू, दिस द राइट हैंड स्क्रू, राइट हैंड अपने हम लोग राइट हैंड से स्क्रू को घुमा रहे हैं और उस घुमाने से आपका स्क्रू ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब अंदर घुस रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब इसको कब कैसे घुमाएंगे आप स्क्रू को, इस डायरेक्शन में, दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज में, जब आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे स्क्रू को तो ये स्क्रू अंदर जाएगा और जब आप क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ये स्क्रू बाहर आएगा, बात समझ रहा है, अंदर जाने का मतलब वो आगे बढ़ रहा है। तो आप यहां पर इस रूल में ये समझो कि स्क्रू का ये मोशन जो है अंदर की ओर और वो करेंट की डायरेक्शन है और आपका राइट हैंड का जो रोटेशन जो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। आप यहां देख रहे हैं कि इसे एंटी क्लॉक रोटेशन दे रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इधर, यदि करंट आपका ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज। आप इस तरह से भी रख सकते हैं, जिस तरह भी रख लो, बस आप ये देखना है कि आपका जो स्क्रू को जो आप रोटेट करवा रहे हो, स्क्रू को जो आप घुमा रहे हो टूल से, वो स्क्रू का मोशन किधर है, स्क्रू जिधर मोशन करेगा उसके अकॉर्डिंग आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यदि आपका स्क्रू ऊपर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आपका रोटेशन ऑफ हैंड बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, यानी स्क्रू की रोटेशन की डायरेक्शन हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो यहां स्क्रू की रोटेशन देखो क्या है, आपका क्लॉकवाइज, तो आपका जो स्क्रू है वो ऊपर या नीचे जाएगा, ऑफकोर्स नीचे जाएगा, नीचे मतलब ये ढीला होगा, ढीला जाएगा, ढीला होगा तो ये पीछे जाएगा कि आगे जाएगा, पीछे जाएगा, तो इसके पीछे जाने का इंडिकेशन है करंट जब नीचे हो, ये ऊपर जाने का इंडिकेशन है करंट जब ऊपर जाए, तो करंट जब ऊपर जाए तो करंट की ऊपर जाने का मतलब हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो आपका स्क्रू का रोटेशन कैसा होना चाहिए,
एंटी क्लॉक वाइज। तो स्क्रू का रोटेशन में क्या बताता है, मैग्नेटिक डायरेक्शन, और स्क्रू का मोशन क्या बताता है, करेंट की डायरेक्शन। समझ में आ गया, सोचिए समझिए, दिक्कत होगा फिर हमें बताइएगा। तो इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंड स्क्रू इज इन डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू ए लीनियर कंडक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्रू गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कौन बताता है डायरेक्शन, स्क्रू का रोटेशन है ना, ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द फोर्स अराउंड द कंडक्टर, जो कंडक्टर के चारों तरफ जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये था हमारा कौन सा रूल, राइट सॉरी कॉर्क मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल, या आप इसे बोल सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, अगला रूल ये बहुत इंटरेस्टिंग और इसी को हम लोग पूरे चैप्टर में लेके चलेंगे, बहुत आसान है। राइट हैंड थंब रूल जिसको बोलते हैं कर्ल रूल। कर्ल रूल मतलब ये जो फिंगर जो मुड़ा रहता है उसको बोलते हैं कर्लिंग फिंगर, कर्ल फिंगर, मुड़ा हुआ फिंगर को कर्ल फिंगर बोलते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं क्या कहना है इस कॉन्सेप्ट का। आप अपने हैंड के राइट हैंड को आप इस तरह से स्ट्रेच करो, दिख रहा है आपको, चलिए हम आपको कैमरे में दिखाते हैं। ये देखिए ये आपका, आप अपने फिंगर्स को ऐसे, अपने फिंगर्स को ऐसे इंसर्कलिंग करो और ये थंब को बिल्कुल राइट एंगल पर, इसके राइट एंगल पर ऊपर रखो, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, रख दिए। अब बताओ ये जो इस रूल का कहना है कि आप थंब को जो दिखा रहे हो, यदि कोई वायर है करंट जिधर फ्लो रहा है थंब की डायरेक्शन उधर रख दो, मैं समझे, वायर पर करंट यदि ऊपर फ्लो रहा है तो थंब उधर होना चाहिए, तो आपका फिंगर जिधर मुड़ जाएगा वही फिंगर का मूवमेंट यानी उस सर्कलिंग फिंगर का जो डायरेक्शन होगा, ये टिप होगा ना इस फिंगर का, तो जिधर फिंगर इन सर्कलिंग फिंगर जिधर डायरेक्शन होगा समझ जाओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होगा। समझे, इन सर्कलिंग फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इफ द थंब ऑफ द राइट क्या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन द इनसर्कलिंग फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इमेजिन टू हेल्ड इन राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन द टिप्स ऑफ द फिंगर, देन द टिप्स, ये फिंगर का टिप पॉइंट है, टिप्स ऑफ द फिंगर क्या, टिप्स ऑफ द फिंगर्स इन सर्कलिंग द मुड़ावा फिंगर कंडक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों रूल। तो इस तीनों रूल की सहायता से हम क्या करते हैं बोलिए, हम लोग डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा यदि करंट की डायरेक्शन यदि जान लिया जाए तो। तो कोई भी वायर पर करंट डायरेक्शन जानकर हम इस राइट हैंड को, इस थंब के पॉइंट को, इस थंब के इस टिप पॉइंट को हम उधर दिखाएंगे, यदि करंट इधर जा रहा है तो हम इधर दिखाएंगे, जिधर जाएगा उधर हम थंब को ले जाएंगे, और ये फिंगर जैसे ही जिधर मुड़ जाएगा समझ जाओ उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर होगा या इधर, यदि इसको इधर रखते हैं तो ये डायरेक्शन उल्टा हो गया, इधर रखते हैं तो कुछ उल्टा हो गया, दिख रहा आपको ना, यदि ये फिंगर यदि ये थंब को आप इधर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जा रहा है, और यदि इधर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो, इधर हो जा रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाय यूजिंग ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो डायरेक्शन हम लोग का पता चल जाएगा कि कोई भी करंट की डायरेक्शन को देखकर हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन से प्रेडिक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, बस अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए, आप आसानी से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए अब लोग आते हैं अगले टॉपिक में, और उस अगले टॉपिक का नाम है बायो सेवर्ट्स लॉ। जरा इस लॉ को अच्छा समझिए जब हम बताने जा रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग अभी पढ़े थे कि किसी भी वायर पर जब करंट फ्लो होता है उसके चारों तरफ प्लेन में, उसके वायर के प्लेन पर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर शेप में उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है, राइट। किस तरह से हमने एज्यूम किया था ये भी क्लियर है, और अभी अभी हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना भी सीखा है कि वायर पर जब करंट ऊपर जाए नीचे जाए तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, बायोट सेवर्ट, दो क्या साइंटिस्ट थे, दो फिजिसिस्ट थे, एक बायोट थे और दूसरा नाम सेवर्ट थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक लॉ दिया जिसका नाम है बायोट सेवर्ट लॉ। अब इस लॉ में क्या, जरा सुन लीजिए, अभी तक हम लोग डायरेक्शन के बारे में जान चुके हैं, लेकिन सर किसी वायर पर यदि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तो सर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायर से 10 सेंटीमीटर दूर चले जाए या 20 सेंटीमीटर दूर चल जाए तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, मतलब वहां का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा,
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने सीखे थे ना, एक पॉइंट ऑफ चार्ज का कितने डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, 1/4 pi epsilon naught q/r² हाँ, उसी तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी तो जानना है। तो बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानने के लिए हमने कूलम्स लॉ का यूज किया था, कूलम फोर्स का यूज किया था। उसी तरह किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर यदि आप मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तभी कर सकते हैं जब आप इस लॉ को समझोगे, जिस लॉ का नाम है बायोट सैवर्ट लॉ। बायोट सैवर्ट लॉ जो जिस लॉ को हम अभी पढ़ने वाले हैं, उस लॉ का हम लोग इस्तेमाल किस पर्पज के लिए करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। किसी भी डिस्टेंस पर हम करंट कैरिंग वायर पर, करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोट सैवर्ट्स लॉ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एग्जाम में अक्सर आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो चलिए इस लॉ को समझे। देखिए, सबसे पहले मान लो ये एक कंडक्टर है, एज ए करेंट कैरिंग वायर, ये देख रहे हैं आप, दिस इज द करेंट कैरिंग वायर, ऐसे हम बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ हमारा ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो क्या दिखा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर आप लिखोगे करेंट, दिस इज द आई, है ना, यहाँ भी लिखोगे आप आई, दिस इज द फ्लो ऑफ करेंट। तो करेंट इस वे में मोशन कर रहा है, करेंट फ्लो हो रहा है इस वायर पर, ड्रॉ कर रहा है। अब जरा इस लॉ को समझने से पहले इस फिगर को समझो। ये हम ए बी मान रहे हैं, ए बी काफी दूर दिख रहा है, थोड़ा सा नजदीक भी कर सकते हैं। और इस ए बी का स्मॉल लेंथ कितना, डी एल लेंथ, एक्चुअली में करंट एलिमेंट लेंथ है। करंट एलिमेंट किसको बोलेंगे, जिस वायर के पोर्शन पे करंट हो। क्या इस वायर के इस पोर्शन पे करंट है, हाँ है, तो उस स्मॉल एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, डी एल। करंट एलिमेंट लेंथ का हम कितना लिए हैं, डी एल, ओके। अब आगे देखिए, जरा सा हाँ, तो क्या लिखे, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी, ये जो आप दिख रहा है ये पी पॉइंट, हमने दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता लगाना है। तो बायोट सैवर्ट का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कहता है कि इस पॉइंट पर जो स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पर ये करंट एलिमेंट है तो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही ना, तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल लिख दिए, डी बी। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एज ए बी ऑफ द लेंथ कितना, डीएल ऑफ ए कैरिंग ए करंट कितना, आई, हमने लिखने बोला था ना, आई लिख दीजिए यहाँ पर, आई, एट ए पॉइंट पी कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, अक्रियांश का डिस्टेंस होगा ना, है ना, एट डिस्टेंस कितना, आर, फ्रॉम द करेंट एलिमेंट, कहां से, करेंट एलिमेंट से, यानी करेंट एलिमेंट से कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बायोट सैवर्ट का ये कहना है कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस स्मॉल करेंट एलिमेंट के कारण, स्मॉल डिस्टेंस आर के कारण, दिस इज द आर डिस्टेंस, तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहां तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबसे पहले करेंट पर। आप भी अज्यूम कर सकते हैं, I जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर उतना ही ज्यादा होगा, I कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम होगा। आपको याद होगा और स्टेट में हम क्या किए थे, रॉय स्टेट यूज किए थे, रॉय स्टेट से हम रेसिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं, और कम ज्यादा करके इलेक्ट्रिक करेंट के मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा कर सकते हैं, जिससे डिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो उस एक्सपेरिमेंटल के बेस पर यह पाया गया कि इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और किसके डायरेक्ट हो सकता है, स्मॉल एलिमेंट के लेंथ पर, लेंथ जितना ज्यादा होगा उसके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। और एक और चीज, साइन थीटा के भी, थीटा ही दिख रहा है आपको, यहाँ एक आप एक ट्राइंगल फॉर्म में देख सकते हैं, दिस इज द, यहाँ आप एक ट्राइंगल फॉर्म में आप देख सकते हैं, दिस इज द एंगल बन रहा, थीटा एंगल, तो साइन थीटा के एंड इनवर्सली, मतलब साइन थीटा मतलब डीएल और आर के बीच जो एंगल बन रहा है, ये आर है और ये हमारा डीएल है, और डीएल और आर के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा। साइन थीटा के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइन थीटा वाला बात अभी आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, हम बताएंगे आपको साइन थीटा क्यों यहां लिया गया है। तो इस स्मॉल करेंट एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, डीबी जो है पी पॉइंट पर, वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो आई करेंट में फ्लो हो रहा है।
इस स्मॉल करंट एलिमेंट के लेंथ के उसमें जितना लेंथ करंट एलिमेंट का लेंथ जितना ज्यादा होगा बीपी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। और साथ ही आप इस डिस्टेंस को जो आप थीटा एंगल से लिए हैं इस पी पॉइंट को हम आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हैं जिससे एंगल चेंज होगा। तो एंगल चेंज करने से आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, चेंज होगा। थीटा चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, चेंज होगा। सबसे ज्यादा पता क्या होगा, जब इसके सीधा पे रखो, जैसे वायर है और वायर के सीधा ये 90 डिग्री पे रखो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे अधिक देखने को मिलेगा, अधिक पाएंगे आप। इसीलिए साइन थीटा के क्या हम लिख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि साइन 90 डिग्री ही वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिल्कुल ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये डिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्स होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे दूर जाओगे वह उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस होगा वो कम होता जाएगा, वो भी कैसा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बायोट सेल्स का मानना है कि स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्मॉल करंट एलिमेंट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन थीटा मतलब किसी भी एंगल डीएल और आर के बीच जो एंगल बनेगा, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम मैथमेटिक कैसे लिखेंगे, देखते हैं, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, ये मेंशन कर दिया आपके नोट्स में। चलिए इन सारे लोज को हम कंबाइन करेंगे, आप देख रहे हैं 1 डीबी आई प्रोपोर्शनल है, डीबी डीएल प्रोपोर्शनल है, डीबी साइन थीटा प्रोपोर्शनल, डीबी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्स है। जब हम सारे 1 से 4 तक के हम इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हम पाएंगे db इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बोलिए, आई डी एल साइन थीटा, बट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या होगा, बोलिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, ये db इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब बताइए हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे ना, जैसे कूलम्ब्स लॉ में हटाए थे, यहां हम इस प्रोपोर्शन हटाएंगे और यहां हम एक के कांस्टेंट डालेंगे, के कांस्टेंट, बायोट सेवर्स लॉ का बायोट सेवर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं आप, वहां कूलम्ब कांस्टेंट कहते थे। तो db इक्वल टू क्या मिला, के इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जिस तरह आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में के का जो एसआई यूनिट था, एसआई वैल्यू था, वो था 1/4πε0, क्या था, 1/4πε0। यहां याद रखिएगा इस के का एसआई वैल्यूज कितना, μ0/4π, क्या है ये, μ0/4π। यहां के की जगह हम क्या लिखेंगे, हर जगह μ0/4π। μ0 क्या है, इस μ0 को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमियबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट वहां था और यहां क्या है, μ0। यहां हम एप्सिलॉन को क्या बोलते थे, एप्सिलॉन नॉट को बोलते थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और यहां μ0 को क्या बोलते हैं, बोलिए, एब्सोल्यूट परमियबिलिटी, एब्सोल्यूट परमियबिलिटी। तो आपको जो ये एक्सप्रेशन मिला बहुत ही काम का एक्सप्रेशन है, बहुत जगह ये यूज होने वाला है आगे जाके। तो db इक्वल टू क्या मिला, μ0/4πIdl sin θ/r2। ओके, स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण इसका मैग्नेटिक का स्ट्रेंथ मिला μ0/4πIdl sin θ/r2। अब आप बोलोगे सर कि ये जो μ0/4π था कोई वैल्यू होगा, बिल्कुल है, μ0 का वैल्यू पता हो जाए तो हम 4π से डिवाइड करके वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो जान लीजिए इसका वैल्यू, आप लोग याद रखेंगे, μ0 की वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कितना वैल्यू होता है μ0 की वैल्यू, 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर याद रखेंगे, या और भी बोलेंगे वेबर पर मीटर एम्पियर। ये वेबर पर मीटर एम्पियर या टेस्ला मीटर पर एम्पियर किसका यूनिट है, एब्सोल्यूट परमियबिलिटी का। कैसे आया आगे देखेंगे, आगे बताएंगे आपको। तो एब्सोल्यूट परमियबिलिटी की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर। तो बताओ μ0/4π का वैल्यू कितना होगा, तो 4π कैंसिल हो जाएगा ना, वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से हमारा μ0 की वैल्यू मिलेगा कितना, μ0/4π = 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यह है वैल्यू ऑफ μ0/4π। कोई दिक्कत, तो ये एक्सप्रेशन आप जो बायोट सेवर्स लॉ में देखे इसे आप याद रखेंगे, इसका स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है।
तो ये जो बायट्स है मतलब वो वेक्टर फॉर्म में कि मैग्नीट्यूड फॉर्म है, तो आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो क्या इसे वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बहुत आसान है, आप जानते हैं करने के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, कंसिडर डीएल वेक्टर फॉर्म में, बी द स्मॉल का एलिमेंट, डीएल क्या आप फिगर देख सकते हैं, एंड आर क्या है एज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाए आप लोगों, एंड आर एज ए यूनिट वेक्टर, आर के ऊपर कैप लगा दिए, आर क्या बताता है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है ना, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम सी टू पी, जिसकी डायरेक्शन किधर है बताइए, सी से पी है, सी से पी देख लीजिए, ये देखिए ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है पी है, तो आर की डायरेक्शन किधर है सी से पी, और यहां हम लिखे आर कैप, फिगर में आप दिखा सकते हैं आर कैप, आर कैप क्या बताता है डायरेक्शन किधर सी से पी की ओर। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे देखो आगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, अभी जो इक्वेशन वन हम लोग जो फाइंड किए, डीबी इक्वल टू हो गया मी नॉट बाय फोर पाई, डीबी इक्वल टू क्या हो गया बोलिए मी नॉट बाय फोर पाई आई डी एल आर कैप, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, तो डीएल इंटू आर कैप बाई आर स्क्वायर, ये हम वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, और यहां देखिए डीएल इंटू आर कैप इक्वल टू डीएल साइन थीटा लिख दिए, कैसे यहां इस एक्सप्रेशन में इसको हम कैसे लिखे हैं आपको याद होगा, ये देखिए ये आपका वेक्टर है और ये आपका यूनिट वेक्टर है और ये आपका मैग्नीट्यूड है, आपको याद होगा यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, पढ़े आप लोग यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर बाय, दिस इज अ वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, डीएल साइन थीटा एज ए मैग्नीट्यूड और डीएल एज ए वेक्टर और आर कैप एज ए यूनिट वेक्टर, तो हम इसे बायोट सेवर्स लॉ को हम इस तरह मैथमेटिकली एक्सप्रेस वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर, आर कैप क्या है यूनिट वेक्टर जो सी से पी के अलोंग है ना, तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में भी इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए बायोट सेवर्स लॉ के साथ आज की इस क्लास को हम ऑफ करते हैं, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अच्छा से पढ़िए अच्छा समझिए और कहीं डाउट हो तो हमें सेंड कीजिए कि सर हमें ये टर्म समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आज हम लोग किस किस के टॉपिक पर हम लोग चर्चा किए, तो आज हम लोग इन सारे टॉपिक पर चर्चा किए है ना, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर स्विमिंग रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल और लास्ट में लोग पढ़े बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो चलिए आज इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यदि कोई प्रॉब्लम हो आज इस क्लास में तो अपना कमेंट हमें जरूर सेंड करें, ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं फिर।